हम लोगों ने सब केसेस के लिए एक इमेजिनरी सरफेस लेनी होती है, जिसमें से हम लोगों ने इमेजिनरी सरफेस से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं उस इमेजिनरी सरफेस के थ्रू। तो उस इमेजिनरी सरफेस को कहते हैं गॉशियन सरफेस। अब गॉज़ीज़ लॉ के एप्लीकेशन से देख लेते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है एक ऐसे स्फीयर में जो अंदर से क्या हो, हॉलो, मतलब अंदर उसके कुछ भी ना हो। अब इस वाले स्फीयर के लिए हमने इस वाले स्फीयर के अंदर वाली साइड पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सारा चार्ज इसकी सरफेस पे है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है इस सरफेस के। तो हम लोगों ने अब इधर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि ई कैलकुलेट करना है एक ऐसी सरफेस जिसकी सिर्फ बाहर चार्ज है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक इस वाली जो बड़ी सरफेस है उसका जो रेडियस है वो आर है। हम एक ऐसी सरफेस उसके अंदर इमेजिन कर लेते हैं। अब जो भी हम सरफेस इमेजिन करते हैं उसे गॉशियन सरफेस कहते हैं। गॉशियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। हम लोगों ने एक इमेजिनरी सरफेस ली जिसका हमने रेडियस कह दिया कि आर प्राइम है। आर प्राइम जो है वो इस वाले आर से कम है, यानी कि ये वाला रेडियस इस वाले रेडियस से कम है, आर प्राइम। ठीक है, अब हम लोगों ने इस तरह, ये ओरिजिनल सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने देखना है कि गॉशियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो वहाँ पे क्या है। यहाँ पे कोई चार्ज इस बड़ी सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ये हॉलो है। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रिक लाइंस उस चार्ज से नहीं निकल रही होंगी। इसका मतलब इस वाली गॉशियन सरफेस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज ज़ीरो, तो फाई ज़ीरो, फाई ज़ीरो। जब यहाँ पे फाई ज़ीरो पुट करेंगे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए होता है। फाई हम लोगों ने बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जब फाई ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगी, इस वाली जगह पे, अंदर वाली जगह पे, इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, बाहर ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि बाहर चार्जेस हैं। ठीक है, जब चार्जेस होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी होगी, लेकिन अंदर वाली साइड पे ई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है तो वहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा, कोई नंबर ऑफ लाइंस नहीं पास कर रही होंगी, तो फाई ज़ीरो। तो लेकिन यहाँ पे जब हम लोग अब इसको पुट ऑन कर लेते हैं, फाई इक्वल्स टू, ये देखें फाइव ज़ीरो हमने पुट किया तो ये आ गया ज़ीरो इक्वल्स टू ई डॉट ए। लेकिन यहाँ पे एरिया ज़ीरो नहीं है क्योंकि सरफेस का कोई ना कोई एरिया तो होगा ही, लेकिन चार्ज ज़ीरो है इसलिए वहाँ पे इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो। अब हम लोगों ने नेक्स्ट एप्लीकेशन देखनी है गॉज़ीज़ लॉ की। गॉज़ीज़ लॉ को हम लोग अप्लाई करके डिफरेंट कन्फिग्रेशन ऑफ चार्जेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। पहले हमने एक हॉलो स्फीयर पे कैलकुलेट की है, यानी कि हॉलो स्फीयर का मतलब एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से बिल्कुल खाली है। अब हम लोग इनफाइनाइट चार्ज ऑफ शीट पर, एक ये शीट है इसके ऊपर चार्जेस हैं, इस सारी शीट के ऊपर चार्जेस हैं, ये इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अब हम लोगों ने इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये तीनों गॉज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन है। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। फिर हम थर्ड इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज, टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज मतलब अब ये तीन डिफरेंट किस्म की कन्फिग्रेशन है, एक स्फीयर के अंदर, एक शीट के ऊपर चार्जेस, और एक दो पैरेलल प्लेट्स में चार्जेस। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज में कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस कंसिडर करेंगे, यानी कि अगर हम कंसिडर कर रहे हैं इसका मतलब हम इसको इमेजिन कर रहे हैं कि एक इस तरह की सिलेंड्रिकल शीट है
और सॉरी इस सिलेंडर पास किया गया है इनफाइनाइट शीट में से। अब हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई कैलकुलेट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लोग एक पॉइंट पी ले लेते हैं जिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई पी पॉइंट इस तरह से लेंगे कि पी पॉइंट वो उसके इस सिलेंडर के इस वाले एरिया पे नहीं बल्कि उस वाले एरिया पे होगा जो इस शीट के पैरेलल होगा। यानी कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये एक शीट है जिसके ऊपर चार्जेस प्लेस हैं एग्जांपल के तौर पे, और यहाँ से इस तरह से एक सिलेंडर इस शीट में से पास किया गया है। अब इसकी ये वाली जो जगह है, ये जो ऊपर वाला होल है, ये वाली जगह, इसका मतलब यहाँ पर हम यहाँ ये वाली जो चीज़ है वो ये इस पेज के पैरेलल है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने पकड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है ये इस वाली शीट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, ये चार्जेस हैं, अगर तो यहाँ से इस तरह से नंबर ऑफ़ लाइंस पास करेंगे, जब ये नंबर ऑफ़ लाइंस इस तरह से बाहर की तरफ आएंगी तो ये वाला जो एरिया है ये इन नंबर ऑफ़ लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, लेकिन जब नंबर ऑफ़ लाइंस इस वाले कर्व्ड सरफेस से पास करेंगी तो यहाँ पर जो ये जो कर्व्ड वाला हिस्सा है ये इन नंबर ऑफ लाइंस के पैरेलल होगा। ये वाला जो फ्लैट है ये परपेंडिकुलर है इन नंबर ऑफ लाइंस के, और ये वाला उसके लिए पैरेलल है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये पेन एक सिलेंडर है तो ये वाली जो चीज़ है पेन की, ये वाली चीज़ ये नंबर ऑफ लाइंस के पैरेलल है, और जो ये वाला एंड है, ये जो ऊपर वाला एंड है, ये नंबर ऑफ़ लाइंस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब फ्लक्स सिर्फ इस वाले एंड पे है और इस वाले एंड पे है, इस वाले एरिया पे और इस वाले एरिया पे सिलेंडर के कोई फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स से पहले मैं आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी बता दूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से शो करते हैं, ये सिग्मा है। सिग्मा जो होता है वो होता है Q over A के। ठीक है, सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू ओवर ए। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है और लाइन चार्ज डेंसिटी भी होती है। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, ये वाला। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो, उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें भी चार्ज आता है क्यू ओवर वी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा तो यहाँ पे एरिया की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा और उसी तरीके से चार्ज। और इसी तरीके से लाइन चार्ज डेंसिटी होती है, लाइन चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका भी फॉर्मूला ऐसे ही है, उसका भी चार्ज ओवर जो भी लाइन की लेंथ हो, क्यू ओवर डी, डी मोस्टली लाइन की लेंथ को कहते हैं। ठीक है, अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सरफेस का एरिया होगा जो भी सरफेस होगी, और चार्ज डिवाइड बाई एरिया। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम। और अगर लाइन चार्ज डेंसिटी हो उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय डी, डी इज द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए, इसलिए सबसे पहले उसको मेंशन कर दिया। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू ओवर ए होता है। यहाँ से हम लोगों ने क्यू निकाल लिया, क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा ये ए, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा ए। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, ई किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, जो कि इस वाली सरफेस के बहुत क्लोज है या शीट के बहुत क्लोज है। अब हम लोगों ने ये वाली सरफेस जो है इमेजिन की है किस फॉर्म में, सिलेंडर के फॉर्म में, जो इस शीट के अंदर से पास कर रहा है, जिसके एक फेस पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस वाली कर्व्ड सरफेस के क्या होंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो लंबी लंबी सी लाइन सिलेंडर पे लगी हुई हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस वाली जो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस वाले एंड से बाहर निकलेंगे तो इस वाले एंड के लिए ये क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू एंड
और इन दोनों एंड के लिए यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर। देखें ये अगर एंड वाला एरिया है, मतलब यूं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आ रही हैं तो ये उसके रास्ते में परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि इन वाले दोनों एंड पर जो फ्लक्स होगा फाई, वो क्या होगा इन वाले, अब यहाँ पे देखें तीन फ्लक्स ले लेते हैं, फाई वन, फाई टू एंड फाई थ्री। फाई वन जो फ्लक्स है वो हम किस पॉइंट पर ले रहे हैं, फाई वन हम इस वाली जगह पे ले रहे हैं, ठीक है, इस वाली कर्व्ड सरफेस पे, जिसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हैं, पैरेलल है। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल हों एरिया के, यानी कि एरिया पैरेलल पड़ा हो इस तरह से, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है, इस तरह से एरिया इलेक्ट्रिक लाइंस के पैरेलल हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वही चीज़ डिस्कस की है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। ये फाई वन हम लोगों ने इस वाली कर्व्ड सरफेस पर और इस वाली कर्व्ड सरफेस पर लिया है, यानी कि इन वाली सरफेसेस के लिए फाई वन लिया है और वो है ज़ीरो। फाई टू जो हम ले रहे हैं वो इस एंड पे, और फाई थ्री इस एंड पे लेंगे, ठीक है। तो फाई टू अब हम लोग इस एंड पे लेंगे, फाई टू क्या होगा इस एंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर हैं, तो ये होगा यहाँ पे ये वाला ई और ये इस एरिया का नॉर्मल, ये इनके बीच में एंगल क्या है, ज़ीरो। तो ये हो जाएगा ई ए, फाई टू इस वाले एंड के लिए और फाई थ्री इस वाले एंड के लिए भी क्या होगा ई ए। तो अब तीनों को सम अप कर लेंगे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए। टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर के थ्रू फाई वन क्या था, ज़ीरो, यानी कि इस वाली साइड पर और इस वाली साइड पर ज़ीरो था। इस वाली साइड पर फाई टू ई ए है, इस वाली फाई थ्री क्या है, वो भी ई ए है। तो टोटल फ्लक्स आ गया टू ई ए। जब हम टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर हम लोग गॉज़ीज़ लॉ, जो हम लोगों ने गॉज़ीज़ लॉ के मुताबिक फाई ई इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है, फाई ई हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, वो आ गया टू ई ए। तो यहाँ पे जो चार्ज है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के थ्रू हमने चार्ज निकाला, वो क्या था, सिग्मा ए। सिग्मा ए पुट किया और ये वाला एप्सिलॉन नॉट, अब ये वाला एरिया इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाला टू यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड हो गया, तो ई निकल आया। हम लोग बेसिकली क्या चीज़ निकाल रहे हैं, ई, तो ई किसके इक्वल आ गया, सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए साथ में क्या लग गया, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अब हम लोगों की लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। जब भी दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं, ये हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में पढ़ा था। ये इनकी कन्वेंशन होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड करती हैं। फिर अब हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह के कन्फिगरेशन, चार्जेस की कन्फिगरेशन है कि दो प्लेट्स पे चार्जेस हैं, हम लोगों ने यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसी तरीके से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एक गॉशियन सरफेस इमेजिन करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक बॉक्स शेप गॉशियन सरफेस इमेजिन की है, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले उसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी, गॉशियन सरफेस, जहाँ पे भी गॉशियन सरफेसेस आएंगे ऑब्वियसली सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू ओवर ए, यहाँ से हम लोगों ने क्यू निकाल लिया, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए। फिर हम लोगों ने गॉशियन सरफेस ले ली। अब हम लोगों ने इस गॉशियन सरफेस को देखना है, देखें यहाँ पर, यहाँ इस तरह से गॉशियन सरफेस ली कि उसका एक एंड जो है वो प्लेट चार्ज प्लेट, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट के अंदर है, एक एंड ये वाला बॉक्स, ये वाला एंड डॉटेड, जो ये हम लोगों ने शो किया कि गॉशियन सरफेस है, ठीक है। और इसके ये वाले जो दो एंड्स हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। ये वाले जो दो एंड्स हैं, या ये जो सरफेस एरिया, ये जो सरफेस का है, इस वाली सरफेस का जो ये वाला और ये वाला जो एरिया है, ये इन लाइंस के क्या है, पैरेलल पड़ा हुआ है। जब एरिया इनके लाइंस के पैरेलल हो तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है, ज़ीरो। लेकिन जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये इन नंबर ऑफ लाइंस के रास्ते में परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है, यानी कि इस वाले एरिया और इनके दरमियान में कौन सा एंगल है, 90 का एंगल। तो
तो ये वाले एरिया के लिए फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम? ये तीनों तरह के फ्लक्स हैं, फाई वन, फाई टू, फाई थ्री. फाई वन जो है वो इस वाली लाइन के लिए हम लोगों ने रखा है, इस वाली लाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म की कोई नंबर ऑफ़ लाइंस नहीं है. नंबर ऑफ़ लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, अंदर कोई भी नहीं है. तो यहाँ पर ई जो है वो क्या है, ज़ीरो, बिकॉज ई ज़ीरो इनसाइड द मेटल प्लेट. ठीक है, फाई टू क्या है, ई टू डॉट ए टू. फाई टू जो हम ले रहे हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं. इन दोनों साइड्स पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों ज़ीरो है, मैंने अभी बताया है कि ये जो नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं ये इस वाले एरिया के पैरेलल हैं. या ये इसका मतलब यहाँ पे ई टू जो है इसके बीच में और इन नंबर ऑफ़ लाइन्स के बीच में, जब ई ए वाले एरिया का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस वाले एरिया का जो नॉर्मल होगा वो इस तरह से होगा कि इनके बीच में और इनके नॉर्मल, इन इसका नॉर्मल, इस वाले एरिया का नॉर्मल क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर. ठीक है, तो इस इनके बीच में 90 का एंगल बनेगा एरिया के और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के. तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, इस वाली साइड पे और इस वाली साइड पे ज़ीरो हो जाएगा. ये वाला एरिया इन नंबर ऑफ़ लाइंस के परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, फाइव थ्री ई ए के इक्वल आ जाएगा. जब हम फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री को सम अप करेंगे, जब तीनों को सम अप करेंगे तो वो ई ए हो जाएगा. टोटल फ्लक्स जो है इस वाली गॉसियन सरफेस में, इस रेक्टेंगुलर हॉलो बॉक्स की सरफेस में टोटल फ्लक्स जो होगा वो ई ए होगा. फिर से इसको गॉसिस लॉ में पुट करेंगे. गॉसिस लॉ क्या था, फाई इक्वल्स टू क्यू ओवर, फाई ई इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो क्यू हम लोगों ने ऊपर पहले बता दिया था, सिग्मा ए के इक्वल होते हैं, उसको पुट किया. फाई ई जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, ई ए एरिया एरिया के साथ कैंसिल हो गया, तो ई क्या आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. ई यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, इसको वेक्टर डायरेक्शन के साथ लिख देंगे. ठीक है, सो ये थे हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज तीनों चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस के लिए और पैरेलल प्लेट कैपेसिटी. ये तीनों एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. गॉसियस लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है. देखें ये फॉर्मूला जो हमारी चार्ज डेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आती है, उसका फॉर्मूला सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है. जो हम लोगों ने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस में निकाली थी वो था सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ एक टू का फ़र्क है. ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना डेरिवेशंस में, इनको कॉन्सेप्ट लेके अच्छे से समझ कर तो ये डेरिवेशंस करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब आज तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही. अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.